यूरो इशन आप ले यार, मेरी बात सुनो बे, ऐसा काम नहीं होता। प्लीज उधर सब मेरे साइड पर लगा रहे हैं। 1 मिनट खोल दो सर। ए भाई, 2000 रुपए दे रहे हैं सर। साहब, ए सर, हेलो। अच्छा, मैं साइड पर लगा रहा हूं, रुको रुको। भाई भाई ओ भाई भाई, कहाँ पे जाएंगे? गुड़गांव। आ जाओ पैसे भी। अरे दे देना, जो देना होगा। आ जाओ। ठीक। उम्र आपकी ज्यादा नहीं लग रही। मेरी 38 है जी। 38? क्या बात है, देखने में 30 से एक दिन ऊपर नहीं लगते। हम दोनों वैसे 32 सेक्टर हॉस्पिटल है ना, उसमें डॉक्टर हैं हम दोनों। ये बड़े डॉक्टर साहब है, मैं छोटा हूँ। इनके साथ ना थोड़ा सा हादसा हो गया था अभी पीछे। लो आपका ये सर देखा था। ये डॉक्टर साहब वैसे अभी इनकी पोस्टिंग हुई है बेंगलुरु में, जो है ना वो एम्स है, जो बेंगलुरु एम्स, वहाँ से इनकी पोस्टिंग हुई। लो डॉक्टर साहब, एक बार आप भी टेस्ट कर लो, चेकअप कर लो। थोड़ा सांस लेना, मुंह खोलना, इधर इधर देखना एक बार, यहाँ इधर बताते हैं। बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है ना? एक मिनट आँख बंद करना। एंड विल शर्मा देव जी, शर्मा देव जी, शर्मा देव जी, मेरे 7400। ओके, गति शर्मा देव जी। नहीं मतलब जिस टाइम ऑपरेशन हो रहा था तभी ये हो गया हादसा, या फिर बाद में? थोड़ा डॉक्टर साहब विस्तार में बताओ। बात ऐसी है, सही बताऊं तो सुबह आया था पेशेंट, आज उसकी सर्जरी थी। पेशेंट तो एडमिट था, सर्जरी आँख का उसका ऑपरेशन था, वो इंटरनल रेटिना का कोई ऑपरेशन था उसका। तो उसके अंदर अब डॉक्टर की थोड़ी ना जिम्मेदारी होती है कि भाई ऑपरेशन ठीक होगा या गलत होगा, पहले ही बता दिया जाता है। तो भाई उसका ऑपरेशन गलत हो गया, आँख खराब हो गई उसकी। तो भाई आदमी खतरनाक निकला, उसने मेरी आंख निकाल ली। अल्लाह, मतलब खतरनाक आदमी से कैसे उलझे, क्या वो बोल रहा है, करा आंख का इंतजाम करो। मतलब उसने आंख निकाल ली, बोतल में डाल ली, वो केमिकल, मतलब उसने पता नहीं कहां से ये नॉलेज ली, केमिकल में डाल के अब रख ली हुई है, वो आंख वापस नहीं कर रहा डॉक्टर साहब। वो कह रहा है कहीं से भी आंख का इंतजाम करो और उसकी आंख लगाओ। उसी खोज में निकले हैं अभी, देखते हैं। मेरा बड़ा बकरा बड़ा दिला। नहीं पर आप बिल्कुल इस मामले में ठीक लग रहे हो, हमें कोई कमी पेशी नहीं लग रही आप में। सबसे बड़ी बात आपकी यही कि उम्र 38, दिखते हो 30 के, इससे जवान और बंदा क्या मिलेगा आपको? दान पुण्य में विश्वास रखते हो? मैं तो करता हूँ दान पुण्य। क्या क्या दान करा आज तक बताओ? मैं तो बस अपना आटा चावल ही दान करता हूँ, और क्या करते हैं। कुछ दान ऐसे भी होते हैं जैसे कि दिल दान, किडनी दान, नेत्र दान, ये होते महादान। नेत्र दान, महादान, वो सर अब नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारी फैमिली मैटर है, हम फैमिली भी देखते हैं अपने, हमें जरूरी है। क्या फर्क पड़ेगा? अब देखो मेरे को, मेरी एक आंख चली गई, मुझे सब दिख रहा है। अबे प्रभु हमें छोड़ो। देखो भाई साहब, हम यहाँ से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कोई बात नहीं, आपको छोड़ के आएंगे। बिल्कुल। देखो मैं मतलब सीधी सी एक बात समझाता हूँ। आपने अभी आपने बताया कि आपका फैमिली मैटर है। मैं फैमिली में हूँ, मेरे को। आप फैमिली को जोड़ के रखना चाहते हो, क्या अलग अलग देखना चाहते हो? मैं जोड़ के रखता हूँ। जोड़ के रखना चाहते हो ना, तो आपको महाराणा प्रताप के कदम चिन्हों पर चलना चाहिए। वो एक आंख से सबको देखते थे। महाराज हमें तो दुनिया से देखना है ना, हमें नहीं चाहिए। आप एक आंख से सबको छोड़ दो। अच्छा एक एक बार ऐसे आंख बंद करके देखो जरा। नहीं सर, एक आंख से आप देखो कि क्या नहीं दिख रहा। सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सर? पर नहीं, हमें वो नहीं देखना जो आप देख रहे हैं। भाई साहब मेरी बात सुनो, आप रहने दो, मैं डॉक्टर हूं। भाई साहब मैं डॉक्टर, ये डॉक्टर, मेरी बात तो सुनो। कोई चक्कर नहीं, आंख एक बार जाती है 4-5 दिन में वापस आ जाती है। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब तक वैसे भी आंख बड़ी है, जान बड़ी है, बताओ आप। जान बड़ी है सबसे बड़ी। तो फिर बंदे की जान के लिए आप एक आंख नहीं दे सकते? नहीं सर, हम नहीं दे सकते, हमारे फैमिली देखने के लिए बैठे हैं, हमारे को सुबह से काम तो के लिए। भाई साहब 5 दिनों बाद आपके लिए दूसरी आंख का बंदोबस्त करते हैं। अरे नहीं, नो 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 सर, आप ऐसे करो, मुझे उतार। देखो अगर आप घबरा रहे हो ना, मैं आपको एक तरीका, बहुत आसान तरीका बताता हूं। मेरी बात आप सुनो। नहीं नहीं सर, ऐसे करो, आप ऐसा करो, ये पानी पी लो। नहीं सर, नहीं खोलो आप, ये मेरी बात सुनो, आप ये पानी पी लो, आप बेहोश हो जाओगे। ओ नो सर, और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लीज प्लीज याद वेलिक,
बाकी चाहे 5 रुपए हो मुझे नहीं चाहिए महाराज, बस खोलो इसको। 5 रुपए नहीं, हम आपको पूरे 2000 रुपया देंगे। नहीं देंगे सर, बंद करो इसको, खोलो बिल्कुल। देखो ओ भाई साहब, नहीं सर ऐसे नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बात तो सुनो, अरे बात तो सुनो भाई साहब, भाई साहब बात बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने नहीं जाना सर, 5 लाख ये कांच की कीमत है, हम आपको दोगे 2000। मेरे को कुछ नहीं चाहिए महाराज, मैं सही बता रहा हूँ। खान भाई वो लाइन पे है भाई साहब, आप प्लीज खान भाई को ऐसे करोगे यार? अरे प्लीज प्लीज सर खोलो, मेरे को फोन छोटे जा रहे हैं। 4-5 आदमी तैयार रखो, मैं बोल रहा हूं कोई बात नहीं सर। हेलो, अच्छा मैं साइड पे लगा रहा हूं, रुको रुको। भाई 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 भाई, अरे कोई बात नहीं यार, प्लीज अरे भाई सर, 2000 रुपए दे रहे हैं सर। ए अच्छा हेलो, अरे भाई मेरी सुन, अच्छा सर प्लीज प्लीज प्लीज, मैं मेरे को छोड़ दो यार, मैं रोक रहा हूं, मेरी बात सुनो प्लीज, एक बार नीचे उतरो। अच्छा मेरी बात सुनो, नहीं सर प्लीज प्लीज, पहले मेरी बात सुनो, आप किसी और को, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गरीब आदमी हूं यार, मेरे को फैमिली देखनी है मेरे को। ओपन सर प्लीज, ओपन द विंडो यार प्लीज, बंद करो, ओपन द लेट एस्केप टू द विंडो, लेट लेट मी सी एस्केप टू द विंडो। अच्छा खोल रहा हूं, रुको ये वेट वेट, खोल रहे हैं ब्रदर, खोल रहे हैं भाई, क्या हो गया यार? अब उतर के बता दो जरा भाई, भाई भाई अरे 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 भैया, अरे सुनो इधर, अरे मैं ठीक हूँ, जो भी बंदा ऐसा वीडियो देखेगा वो उसके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी कि यार मेरे साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है अगर मैं किसी अनजान गाड़ी में बैठ जाऊंगा तो हमारा ये वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है कि लोगों को ये हम दिखा रहे हैं कि ऐसे किसी अनजान गाड़ी में नहीं बैठना। और एक बार आप भी जरा कैमरे की तरफ देख के जो भी ये वीडियो देखेगा उसको एक बार ये बात आप बोल दो कि कभी भी किसी अनजान गाड़ी में ऐसे ना बैठे। अपना नाम बताओ पहले और फिर ये बात करो। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है कृष्ण कुमार, मैं इसके त्रिज हूँ। मेरे को सर जिन्होंने जो कि टॉर्चर किया मुझे, तो एक बार लगा कर प्लीज़ ऐसे कोई किसी की गाड़ी में मत बैठना, पर ऐसे सर मिलेंगे नहीं जो इनके ऐसे बिल्कुल बहुत लगे। एक बार को तो मेरे को भी लगा मेरे माँ बाप से मैं गया। नहीं नहीं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं पहले तो, जितना ज्यादा आपको डरा दिया उसने।